हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी, डेली वर्कशॉप्स टाइम में आपका स्वागत है, जहां पर हम कवर कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को। ये वर्ड्स सिर्फ एसएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सभी जो एग्जाम्स है उनमें इन्हीं शब्दों को रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है, क्योंकि ये क्या है, एकेडमिक वर्ड्स है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। तो इनको सिर्फ एसएससी टारगेट स्टूडेंट्स है वो इनको नहीं देख सकते, बल्कि वो सभी स्टूडेंट छात्र जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी सीरीज से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर क्या है नए हैं तो आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। वोकैब्स के बारे में एक्सपर्ट्स और सब छात्र और अध्यापक दोनों को मालूम है कि ये क्या है, डेली बेसिस पर ही तैयार होनी चाहिए। किस बेसिस पर? डेली बेसिस पर इनको यानी कि तैयार करना चाहिए, ताकि अच्छी तैयारी हो सके। ये वोकैब्स एक ऐसा टास्क है जिसको आप वन डे में, मतलब आप एक दिन बैठ जाएं और क्या करें, याद करना शुरू करें कि आज मैं वोकैब्स याद करूंगा, तो ये कवर होने वाली नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेली बेसिस पर अच्छी तैयारी हो तो आप हमसे जुड़ जाइए। देखते आज के हमारे 10 शब्द। रैलिश, रैलिश बोलते हैं आनंद को, एज अ नाउन एज अ वर्ब दोनों इसका प्रयोग किया जाता है। द टेस्ट एक्सपीरियंस व्हेन अ सेवरी कैंडीमेंट इज टेकन इनटू द माउथ, मतलब कोई स्वादिष्ट जायका आधार कोई चीज खा लेते हैं तब हमें मजा जो आ जाता है ना, उसे हम बोलेंगे रैलिश। ओके, एज अ नाउन एज अ वर्ब इसका प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। इसके पर्यायवाची शब्द है इंजॉय, अडोर। ओके, ये दोनों इसके पर्यायवाची शब्द है, मतलब इससे रिलेटेड वर्ड्स है, इन्हीं अर्थों को व्यक्त करने वाले ये शब्द है। तो ये था हमारा आज का पहला शब्द रैलिश। आज के सेशन का दूसरा शब्द देखते हैं हम, स्कॉन। स्कॉन क्या है? स्कॉन का अर्थ होता है तिरस्कार। तिरस्कार एज अ नाउन भी प्रयोग किया जाता है और एज अ वर्ब भी प्रयोग किया जाता है। अर्थ क्या हुआ इसका? तिरस्कार भी एक हिंदी का टफ वर्ड है। तो ओपन डिसरिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन और अ थिंग, मतलब ओपनली आप किसी के ऊपर और किसी की इज्जत उड़ाते हैं, तो मतलब उसे उसको क्या बोलेंगे हम, स्कॉन बोलेंगे। डिसरेस्पेक्ट मतलब जलील करना या फिर टिप्पणी करना, नेगेटिव रिमार्क्स देना, वो क्या कहलाएगा, स्कॉन कहलाएगा। सिनोनिम्स देखिए, कंडम, यानी कि हम जानते हैं कंडम बहुत पॉपुलर वर्ड है, न्यूज़पेपर में और न्यूज चैनल में दोनों ही में ही प्रयोग किया जाता है। डिस्पाइज देखिए, मॉकरी देखिए, इसका भी प्रयोग बहुत कॉमन है, ये दोनों शब्द बहुत कॉमन है न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में। अगर आप किसी भी प्रकार के न्यूज चैनल्स को न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं तो आपको ये वर्ड्स आई थिंक मालूम होंगे और होने भी चाहिए, इतने कॉमन वर्ड्स तो आपको मालूम होने भी चाहिए। तो ये था आज का हमारा दूसरा शब्द स्कॉन, जिसका अर्थ होता है तिरस्कार। एज अ नाउन एज अ वर्ब दोनों प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थ होगा कि ओपनली डिसरेस्पेक्ट, मतलब खुलकर किसी को क्या करते हैं, टिप्पणी करते हैं, नेगेटिव रिमार्क्स करते हैं, देते हैं, तो हम क्या कहेंगे, उसे स्कॉन कहेंगे। ओके, आज के सेशन का तीसरा शब्द क्या है, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव प्रतिशोधी, एज एन एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब विशेषण, किसी की विशेषता के तौर पर इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। शोइंग मैलिशियस इल विल एंड अ डिजायर टू हर्ट मोटिवेटेड बाय स्पाइट। ओके, सिनोनिम्स देखिए, रिवेंजफुल, स्पाइटफुल, ये दोनों इसके क्या है, पर्यायवाची शब्द है। प्रतिशोधी मतलब रिवेंजफुल, आप रिवेंज का अर्थ जानते हैं, रिवेंज यानी बदला लेना, तो बदला लेने की जो भावना होती है ना, उसके लिए इस विंडिक्टिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है, एज एन एडजेक्टिव। हिंदी शब्द आपको याद रखना है प्रतिशोधी। ओके, प्रतिशोध और प्रतिशोधी, ये दोनों ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था आज के हमारे सेशन का तीसरा शब्द। आज के सेशन का चौथा शब्द देखते हैं वांडर। वांडर क्या है? घूमना, एज अ वर्ब इसका प्रयोग किया जाता है। लूज क्लैरिटी और टर्न असाइड स्पेशली फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट ऑफ अटेंशन और कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट इन राइटिंग, थिंकिंग और स्पीकिंग, मतलब इधर उधर भटक जाना, मुद्दे से भटक जाना हम बोल सकते हैं, मुद्दे से भटक जाने को असल में वांडर कहा जाता है। ओके, रोम, डिविएट, ये दोनों इसके क्या है, पर्यायवाची सिनोनिम्स वर्ड है। तो ये था आज का हमारा सेशन का चौथा शब्द। ओके, पांचवा शब्द देखते हैं एब्रोगेट, जो कि अभी चर्चाओं में रहा है, जब 370 यानी कि जो कश्मीर में जो रूल था उसको हटाया गया था, तब ये वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था न्यूज़पेपर में और न्यूज चैनल्स में, इसको बहुत यूज किया गया था। अगर आपने उस वक्त इसे सर्च किया है तो आपको जरूर इसका अर्थ मालूम होगा।
आपको ये आदत भी रखनी चाहिए, अगर कोई नया वर्ड है जो रेगुलर क्या हो रहा है न्यूज में बना है तो आप क्या करें उसको, यानी कि गूगल करें उसको, यानी कि राइट डाउन करें उसका अर्थ, राइट डाउन करें और वो क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, ये भी लिखें, और वो वाक्य भी लिखें जहां पर आपने इसको पाया है, जहां पर आपको ये वर्ड देखने को मिला है। तो एब्रोगेट देखिए रद्द करना होता है इसका अर्थ। ओके, कश्मीर में जो नियम था उसे रद्द कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, इसीलिए एब्रोगेट का प्रयोग वहां पर किया जा रहा था। एज अ वर्ब इसका प्रयोग किया जाता है, रिवोक फॉर्मली, मतलब कानूनी तौर पर किसी चीज को हटा देना, खत्म कर देना, रद्द कर देना, इसके लिए एब्रोगेट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसके सिनोनिम्स है रिपील, एबोलिश। ओके, रिपील या एबोलिश इसके क्या है, सिनोनिम वर्ड है, पर्यायवाची शब्द है। एबोलिश और रिपील को भी खत्म कर देने के अर्थ में ही लिया जाता है। तो ये था आज के हमारे सेशन का पांचवा शब्द। ओके, आज के सेशन का छठा शब्द क्या है, एक्वेंट। एक्वेंट यानी परिचय कराना, एज अ वर्ब इसका प्रयोग किया जाता है। प्लीज एक्वेंट योर कलीग्स ऑफ योर प्लान्स टू मूव। ओके, तो आप जान गए हो, परिचय कराना, इंट्रोड्यूस कराना। ओके, सिनोनिम्स क्या है, इंट्रोड्यूस है, फेमिलियराइज है, दोनों इसके क्या है, पर्यायवाची शब्द है, कॉमन वर्ड है, ये कॉमन वर्ड है, इंट्रोड्यूस कॉमन है, फेमिलियराइज भी कॉमन है, आजकल बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक्वेंट एक एकेडमिक वर्ड है, किताबों में प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। आज के सेशन का सातवां शब्द देखेंगे हम, सातवां शब्द क्या है, एडिकेट। एडिकेट क्या है, पर्याप्त, पर्याप्त बैलेंस नहीं है आपके फोन में, ये वर्ड आपने सुना ही होगा फोन पे, तो यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है, हैविंग द रिक्विजाइट क्वालिटीज और रिसोर्सेज टू मीट अ टास्क। ओके, आप पर्यायवाची शब्द से इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, सफिशियंट मतलब इनफ, इनफ यानी कि पर्याप्त मात्रा में, जो कि जरूरी है उतना, तो उसके लिए हम एडिकेट वर्ड का प्रयोग करते हैं और एज एन एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है। सफिशियंट बैलेंस भी हम यूज करते हैं, सफिशियंट मेमोरी, ओके, सफिशियंट स्टोरेज का भी प्रयोग किया जाता है, कहाँ के लिए, आप जब मेमोरी में स्टोरेज को चेक करते हैं तो वहां पर सफिशियंट का यूज किया जाता है, उसी तरीके से एनएफ का, और उसी अर्थ में एडिकेट का वर्ड भी प्रयोग किया जाता है। तो आज के सेशन का आठवां शब्द देखेंगे अब हम, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई यानी बढ़ाना, एज अ नाउन इसका प्रयोग किया जाता है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सिनोनिम्स देखिए, मैग्निफाई, बूस्ट। ओके, मैग्निफाई या बूस्ट यानी बढ़ाने के अर्थ में एम्पलीफाई का यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है। आज के सेशन का हम नौवा शब्द देखेंगे, नौवा शब्द क्या है, एनिहिलेट। एनिहिलेट मतलब विनाश करना, तबाह करना, एज अ वर्ब इसका प्रयोग किया जाता है, इन किल इन लार्ज नंबर्स, बहुत बड़े पैमाने पर मारना, उसे हम क्या बोलेंगे, एनिहिलेट इसका प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम्स देखिए, डिस्ट्रॉय। ओके, डिस्ट्रॉय कॉमन वर्ड है लेकिन एनिहिलेट कॉमन वर्ड नहीं है, तो ये वही शब्द है, एकेडमिक वर्ड्स है जो कि लिटरेचर में प्रयोग किए जाते हैं, आर्टिकल्स में, जो कि बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उनमें प्रयोग किए जाते हैं, तो यही सिर्फ एसएससी एग्जाम्स में नहीं बल्कि सभी एग्जाम्स में इन्हीं शब्दों को पूछा जाता है, लेकिन जैसा एग्जाम है उसी लेवल के क्या है, शब्दों का वहां पर प्रयोग किया गया है, पूछा गया है। आज के सेशन का लास्ट वर्ड देखेंगे, अनोय। अनोय कॉमन वर्ड है, ये आजकल कन्वर्सेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ होता है झुंझला देना, मतलब इतना परेशान करना कि सामने वाला झुंझला जाए, एज अ वर्ब इसका प्रयोग किया जाता है, कॉज अनोयंस इन डिस्टर्ब स्पेशली बाय माइनर इरिटेशन, यानी किसी को इरिटेट कर देना बार बार, यानी कोई चीज आप पूछते हैं, परेशान करते हैं, डीज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, झुंझला जाता है, तो उसके लिए हम अनोय वर्ड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है, ऑफेंड, इरिटेट, ये दोनों कॉमन वर्ड है और अनोय भी कॉमन वर्ड है, तो आपको तीनों ही शब्द याद रखने चाहिए क्योंकि कॉमन वर्ड्स हैं। ओके, अगर आप किसी भी यानी कि जो हाई लेवल एग्जाम्स होते हैं उनमें एकेडमिक वर्ड्स वो पूछे जाते हैं जो कॉमन नहीं है, ना तो कन्वर्सेशन में है और ना ही बहुत ही ज्यादा हेडिंग्स बनते हैं किसी भी न्यूज पेपर की या न्यूज चैनल की, वहां पर बहुत ही जो डीप मीनिंग वाले जो शब्द हैं वो पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी छोटे एग्जाम को अटेंड कर रहे हैं, वहां पर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर इसी प्रकार के शब्दों का क्वेश्चन बनता है, वहां पर ये शब्द पूछ लिए जाते हैं। आई होप कि आपको आज के 10 शब्द समझ में आए होंगे और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और साथियों के साथ शेयर करें,
और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।